प्रोसेस जो है ये ऐसा नहीं होता, एक डिप्लोमेटिक प्रोसेस होता है जो कि आम जनता कमेंट तो कर नहीं सकती, आम जनता कमेंट नहीं करने कर सकती, उस तरह का स्टेटस नहीं है, उस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। बाकी सैनिकों के बारे में भारतीय सैनिक उनका ऐसा नहीं होता कि भारतीय सैनिक अपने से कोई एक्शन ले सकें, एक सेट प्रोसीजर है, कोई अगर फॉरेन का कोई अगर आतंकवादी पकड़ा जाता है तो वो एक पूरी तरह से दो देशों के बीच के रिलेशन का सवाल होता है, इसलिए वो एक सेट प्रोसीजर है, उसी प्रोसीजर के थ्रू काम होता है और उसी से होगा, और इसमें जो जितना भी मैंडेट्स हैं उनको फॉलो करना है तो उसी से होगा, भारतीय सैनिक कुछ नहीं कर सकते उसमें, जो उनको इंस्ट्रक्शन देगी आईबी डिपार्टमेंट डिफेंस मिनिस्ट्री। त्यांना सख्त सख्त त्यांना सजा झाली पाहिजे, कारण पुन्हा असे आतंकवादी तयार आपल्याकडे म्हणजे आपल्या देशावरती कोणतीही आतंकवादी घटना घडू नये असं काहीतरी त्यांना शिक्षा करायला पाहिजे, की त्यांच्या मनामध्ये एक भीती निर्माण व्हायला पाहिजे की भारतावरती कोणताही आतंकवादी हल्ला करण्याला त्यांनी 10 वेळा विचार करायला पाहिजे। पासी कड़ी से कड़ा सजा देने चाहिए, कसाब को पकड़ा लेकिन सरकार ने क्या किया, उन लोग का सरकार ने उन लोग उसको मतलब बिरयानी खिलाई वो खिलाई, ऐसा नहीं चाहिए, उन लोग को कड़े से कड़ी सजा देनी चाहिए रोक टोक में। और बाहर देश में कैसा है, जो पकड़ा तो डायरेक्ट लादेन को तालाब में डाला, वैसा अपने देश में भी कड़ी से कड़ा सजा होना चाहिए। एक्शन तो आई थिंक लेना चाहिए, लेकिन क्या है कि रूल्स को भी तो फॉलो करना पड़ेगा ना, कुछ अपने कंट्री का रूल्स है, अब उनके कंट्री में नहीं है रूल्स तो भाई ये तो हमारी प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन फिर भी थोड़ा तो स्ट्रिक्टनेस रखना चाहिए, मतलब हर बार ही अटैक होता है और उनके उधर से ही होता है, तो इसमें कोई लॉजिक तो नहीं है यार कि बोलते कि हमने नहीं पता, हमें नहीं पता, हर बार ऐसा थोड़ी होता है, वो सब का तो मुझे ज़्यादा नहीं पता क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग किया होगा जो भी किया होगा, तो बाकी बोल नहीं सकते। राय क्या है उसमें, उनको जगह पर उधर ही ठोक देना चाहिए, ऐसे पकड़ के हम लोग उनको संभालेंगे, उनका खर्चा ये वो नहीं चाहिए, सीधा ठोक दो जगह पे, खत्म।